एज्रा का ग्रंथ अध्याय 8। राजा अर्तजरकसीस के शासनकाल में मेरे साथ साथ बाबुल से प्रस्थान करने वाले लोगों और उनके घरानों के मुखियाओं की सूची इस प्रकार है। पीनहास के वंशजों में गेरशोम, ईतामार के वंशजों में दानियल, दाऊद के वंशजों में हट्टूश जो शकन्या के पुत्रों में था, परोश के वंशजों में जकरिया जिसके साथ 150 नामांकित पुरुष थे, पहत मोआब के वंशजों में जरहैया का पुत्र एल्योएने और उसके साथ 200 पुरुष, जतू के वंशजों में यहजीएल का पुत्र शकन्या और उसके साथ 300 पुरुष, आदीन के वंशजों में योनातान का पुत्र एबेद और उसके साथ 50 पुरुष, एलाम के वंशजों में अतल्या का पुत्र यशाया और उसके साथ 70 पुरुष, शफच्चा के वंशजों में मिकाएल का पुत्र जबद्या और उसके साथ 80 पुरुष, योआब के वंशजों में यहीएल का पुत्र ओबद्या और उसके साथ 218 पुरुष, बानी के वंशजों में योसेफ्या का पुत्र शलोमीत और उसके साथ 160 पुरुष, बेबाय के वंशजों में बेबाय का पुत्र जकर्या और उसके साथ 28 पुरुष, अजगाद के वंशजों में हक्काटान का पुत्र योहानान और उसके साथ 110 पुरुष, अंत में अदोनी काम के वंशजों में एलिफेट, येईएल, शमाया और उसके साथ 60 पुरुष, बिगवे के वंशजों में उतय और जबूद तथा उनके साथ 70 पुरुष। मैंने उनको उस नदी के तट पर एकत्रित किया जो अहवा की ओर बहती है। वहां हम 3 दिन पड़े रहे। जब मैंने लोगों और याजकों का निरीक्षण किया तो मुझे कोई लेवी नहीं मिला, इसलिए मैंने एलीएजर, अरीएल, शमाया, एलनातान, यारीब, एलनातान, नातान, जकर्या और मशुलाम को बुलाया जो मुखिया थे और योयारीब एवं एलनातान को जो शास्त्री थे और उनको कासिफ्या के इद्दो नामक अध्यक्ष के पास भेजा। मैंने इद्दो और उसके भाई बंधुओं तथा मंदिर के सेवकों को जो कासिफ्या में रहते थे यह कहला भेजा कि वे हमारे ईश्वर के मंदिर के लिए हमें कुछ सेवक भेजें। कृपालु ईश्वर हमारे साथ था, इसलिए वे शेरेब्या और उसके पुत्रों और भाइयों को कुल मिलाकर 18 व्यक्तियों को हमारे पास ले आए। शेरेब्या बुद्धिमान था, वह इसराइल का परपोता, लेवी का पोता और महली का पुत्र था। फिर वे मरारी वंशज हशब्या एवं यशाया और उनके भाइयों और पुत्रों को कुल मिलाकर 20 व्यक्तियों को ले आए। इनके अतिरिक्त दाऊद और उसके पदाधिकारियों द्वारा लेवियों की सहायता के लिए नियुक्त मंदिर के सेवकों के वंशजों में से 120 व्यक्तियों को, इन सब के नाम लिपिबद्ध थे। वहां अहवा नदी के पास मैंने एक उपवास की घोषणा की जिससे हम अपने ईश्वर के सामने दीन बने और उससे प्रार्थना करें कि हमारी और हमारे परिवारों की यात्रा सफल और हमारी सारी संपत्ति सुरक्षित हो। यात्रा में शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए राजा से आदमी और घुड़सवार मांगने में मुझे संकोच था, क्योंकि हमने राजा से कहा था कि हमारे ईश्वर का हाथ उन सबकी भलाई के लिए तत्पर रहता है जो उसे ढूंढते हैं, जबकि उसका क्रोध
उन सब पर प्रकट होता है जो उसे त्याग देते हैं। इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। इसके बाद मैंने मुख्य याजकों में से 12 को, अर्थात शेरेब्या, हशब्या और उनके साथ उनके भाइयों में 10 अन्य को अलग कर लिया। मैंने उन्हें चांदी, सोना और अन्य वस्तुएं सौंपी जिन्हें राजा, उसके मंत्रियों और पदाधिकारियों एवं वहां के रहने वाले इसराइलियों ने ईश्वर के मंदिर के लिए चढ़ाया था। मैंने 650 मन चांदी, 100 मन चांदी की वस्तुएं, फिर 100 मन सोना, सोने के 20 पात्र जिनका मूल्य 1000 अशर्फियां था और सोने की तरह मूल्यवान सुंदर चमकीले कांसे के 2 वस्तुएं, ये सब तौलकर उनके हाथों में दिया। तब मैंने उनसे कहा, तुम प्रभु की सेवा में समर्पित हो, ये वस्तुएं पवित्र हैं। ये चांदी सोना प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर को स्वेच्छा से चढ़ाया गया है। जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के कोषागार में याजकों के प्रधानों, लेवियों और इसराइली घरानों के मुखियाओं के सामने तौल कर नहीं दोगे, तब तक इन्हें संभाल कर रखो। इस पर याजकों और लेवियों ने चांदी, सोना और अन्य तौली हुई वस्तुओं को यरूशलेम के ईश्वर के मंदिर ले जाने के लिए ले लिया। हमने पहले महीने के 12वें दिन अहवा नदी से यरूशलेम के लिए प्रस्थान किया। हमारा ईश्वर हमारे साथ था। उसने शत्रुओं और रास्ते में घात में बैठे हुए लोगों से हमारी रक्षा की। हमने यरूशलेम पहुंचकर वहां 3 दिन तक विश्राम किया और 4थे दिन हमारे ईश्वर के मंदिर में चांदी, सोना और अन्य वस्तुओं को तौलकर ऊरिया के पुत्र याजक मरेमोत के हाथ में दिया। उसके पास पीनहास का पुत्र एल आजार, लेवी येशुआ का पुत्र योजाबाद और बिन्नुई का पुत्र नोअद्या थे। संख्या और तौल के अनुसार सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया। उस समय उन सब का वजन भी लिखा गया। उस समय निर्वासन से लौटे हुए लोगों ने समस्त इसराइल के कल्याण के लिए इसराइल के ईश्वर को ये होम बलियां चढ़ाईं। 12 बछड़े, 96 मेढ़े, 77 मेमने और प्रायश्चित बलि के रूप में 12 बकरे। उन्होंने क्षत्रपों और नदी के उस पार के राज्यपालों को राजा के आदेश सुनाए और उन्होंने लोगों की और ईश्वर के मंदिर की भी सहायता की।